हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रोहू फिश बिरयानी। बिरयानी तो बहुत सारे तरीके से बनते ही है। एक बिरयानी वेज बिरयानी, साथ ही साथ चिकन, मटन, प्रॉन और साथ ही साथ हिलशा फिश से भी बनते हैं। लेकिन आज हम एकदम इजी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे रोहू फिश बिरयानी। और ये बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, घर में अगर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है तो भी बनके रेडी हो जाएगी, स्वाद में कोई कमी नहीं रहेगी और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। रोहू फिश बिरयानी बनाने के लिए मैंने ले लिया है रोहू फिश और इसके अंदर अभी ऐड कर दूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ऐड करूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ऐड कर दूंगी बिरयानी मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अभी इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून रोज वाटर, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा वाटर, ऐड कर देंगे 1 टीस्पून विनेगर, इसके जगह पे आप लोग नींबू का रस का भी यूज कर सकते हो, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक जूस। और अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को फिश के साथ साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और फिश को फ्राई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि फिश को फ्राई कर लेंगे तो हल्का सा फ्राई कर सकते हो। फिश को मैंने मसाला से अच्छे से कोट कर दिया है और अभी ढक्कन लगा के बस 10 मिनट के लिए रख दीजिए। हाँ, ये बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, उतना ज्यादा मैरिनेशन की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर हाथों में टाइम है तो 30 मिनट के लिए भी रख सकते। बिरयानी के राइस बनाने के लिए मैंने ले लिया है 250 ग्राम बासमती राइस और राइस को 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इससे राइस हमारे टूटेगा नहीं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा लंबा और खिला खिला बनेगी। तो चलिए अभी राइस को कुक कर लेते हैं। राइस को कुक करने के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है और अभी पानी के अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट आप आपके स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए, पानी पूरा के पूरा सॉल्टी हो जाए इतना सॉल्ट ऐड कर दीजिए। साथ ही साथ ऐड कर दूंगी 2 से 3 ड्रॉप रिफाइंड ऑयल, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी कुछ सूखे मसाले जैसे लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, जाफरान, जावित्री। इससे पानी में बहुत सुंदर एक एरोमा आते हैं। देख लीजिए पानी में अभी उबाल आ गए हैं। तो अभी ऐड कर दूंगी बासमती राइस, ढक्कन लगाने का जरूरत नहीं है, हाई फ्लेम में राइस को बस 70% तक कुक कर लेंगे। देख लीजिए राइस हमारे 70% तक कुक हो गए हैं, कितना लंबा लंबा हो गए हैं देखिए, लेकिन पूरा के पूरा कुक मत कीजिए। चलिए पानी को अभी ड्रेन कर लेते हैं। देख लीजिए राइस हमारे कुक होके एकदम रेडी है, कितना अच्छा खिला खिला बने हैं और एक भी राइस हमारे टूटे नहीं। 10 मिनट हो गए हैं, देख लीजिए फिश हमारे मैरिनेट होके रेडी है और राइस भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए फिश को अभी रेडी कर लेते हैं। देख लीजिए फिश को कुक करने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर दूंगी घी, इसके जगह पे आप लोग ऑयल का भी यूज कर सकते हो। घी हमारे गर्म हो गए है तो अभी फर्स्ट में ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शाही जीरा, जीरा के साथ ही साथ ऐड कर देंगे लौंग, इलायची, जयित्री, जायफल, साथ ही साथ बड़ी इलायची। सारी चीजों को अभी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, इससे बहुत अच्छा एक एरोमा आता है बिरयानी के अंदर। अगर शाही जीरा घर में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जीरा का भी यूज कर सकते हो। और फिश बिरयानी में दालचीनी का यूज मत कीजिए, उससे एक स्ट्रॉन्ग एरोमा आता है, तो उसको मैंने स्किप कर दिया है। अभी ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज का अनियन फाइनली चॉप्ड किए हुए। अनियन को भी अच्छे से गोल्डन करके फ्राई कर लेंगे। देख लीजिए अनियन हमारे फ्राई होके एकदम रेडी है। तो अभी ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक जूस, अच्छे से मिलाएंगे और फ्राई कर लेंगे।
अभी ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का टमाटर रफली चॉप किए हुए, मिला देंगे। टमाटर को जल्दी पकाने के लिए ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, मिला देंगे एक बार। और अभी ढक्कन लगा के टमाटर मैशी होने तक 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाइए, देख लीजिए टमाटर पूरा का पूरा मैशी हो गए है। एक बार हल्का हाथों से बस मिक्स कर दीजिए। अभी मसाला के अंदर ऐड कर देंगे फिश के पीसेस 1/1 करके। फ्लेम को अभी एकदम लो में कर दीजिए और ढक्कन लगा के एक साइड को 3 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। 3 मिनट हो गए हैं, चलिए ढक्कन हटाते हैं, देख लीजिए फिश कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। पलट के दिखाती हूँ कि एक साइड से कितने अच्छे से कुक हो गए हैं। देखिए पलट दीजिए ऐसे, देख लीजिए सारे के सारे फिश के पीसेस को मैंने पलट दिया है। और अभी फिर से ढक्कन लगा के लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए दूसरे साइड को कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन हटाइए, देख लीजिए फिश हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। फिश को फिर से एक बार पलट दीजिए, देखिए हल्का हल्का कलर भी आ गए है। और अभी ऊपर से ऐड कर देंगे राइस, जिसको मैंने फर्स्ट में कुक कर लिया था। रोहू फिश बिरयानी बनाना बहुत ही इजी है, जैसे लेयरिंग का भी कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया है। घर में जरूर एक बार ट्राई करना। अभी ऊपर से ऐड कर देंगे बस एक ड्रॉप बिरयानी एसेंस और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। और अभी ढक्कन लगा के इसको कवर कर देंगे। गैस के ऊपर मैंने चढ़ा दिया है एक तवा और उसके ऊपर अभी प्लेस कर रही हूँ मेरी बिरयानी के कढ़ाई। और अभी इसको बस 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख दीजिए दम में, तो ये रेडी हो जाएगी हमारी होमली स्टाइल टेस्टी टेस्टी रोहू फिश बिरयानी। तो 15 मिनट बाद मिलती हूँ। देख लीजिए ये जो होल रहते हैं उसको मैंने सील कर दिया है, तो ऐसे आप लोग भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आटा लगा सकते हो या फिर फुल कवर भी कर सकते हो। 30 मिनट हो गए हैं और रेडी हो गए हैं हमारे इजी एंड टेस्टी होम स्टाइल रोहू फिश बिरयानी। तो चलिए अभी ढक्कन हटाते हैं। बहुत ही अच्छा एक एरोमा आ रहे है और देखिए अभी तक धुआं निकल रहे है, तो चलिए अभी इसको सर्व कर देते हैं। सर्व करने का टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि फिश टूट सकते हैं, फिश टूटने का चांसेस रह जाते हैं, लेकिन देखिए फिश निकल आ गए हैं और फिश बहुत अच्छे से कुक भी हुए हैं। देख लीजिए हमारे इजी टेस्टी हेल्दी रोहू फिश बिरयानी अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।